लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी समेत तमाम क्षेत्रीय दल अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। उत्तर भारत में मजबूत पकड़ रखने वाली बीजेपी की नज़र अब दक्षिण पर है। दक्षिण में राजनीतिक घमासान के बीच तमिलनाडु से शुक्रवार को आए तस्वीरों ने राज्य में नए समीकरण के कयासों को जन्म दे दिया है और मौका था पीएम नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे का। इस दौरान एयरपोर्ट से लेकर स्टेशन तक पीएम मोदी और राज्य के सीएम एमके स्टालिन की करीबी और गर्मजोशी ने सबको हैरान कर दिया। राज्य में भले ही बीजेपी और डीएमके बीच फिलहाल तस्वीरें खींची हों, लेकिन ये तस्वीरें अलग ही कहानी बयां कर रही हैं। दक्षिण की राजनीति में बीजेपी कर्नाटक के जरिए मजबूती से प्रवेश कर चुकी है। पार्टी की नज़र तेलंगाना केरल के साथ ही तमिलनाडु में पांव जमाने की है। तमिलनाडु दो प्रमुख दलों AIADMK और DMK दोनों के साथ बीजेपी केंद्र में गठबंधन में रह चुकी है। ऐसे में बीजेपी के लिए दोनों में से कोई भी दल परहेज नहीं कर रहा। पीएम मोदी की छवि देश में इस समय केंद्र और राज्यों के स्तर लगभग सर्वमान्य नेता के रूप में है। हालांकि पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्य अपवाद भी हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए दक्षिण का किला मजबूत करने में पीएम मोदी अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। पीएम मोदी और स्टालिन शनिवार को जिस तरह से गर्मजोशी से मिले और दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज जैसी थी, उससे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इन तस्वीरों को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर डीएमके एनडीए के करीब आती है तो उसमें पीएम मोदी की अहम भूमिका हो सकती है। दूसरी ओर स्टालिन को भी पीएम से कोई खास नाराजगी नहीं है। तेलंगाना में सीएम के चंद्रशेखर राव पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। वहीं स्टालिन पीएम मोदी की अगुवाई करने के बाद एयरपोर्ट के टर्मिनल के उद्घाटन से लेकर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने तक की तीनों कार्यक्रम में हर कदम पर पीएम मोदी के करीब दिखाई दिए। दोनों नेताओं के बीच जुगलबंदी से अब ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या बीजेपी राज्य में 2024 के लिए जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है। दरअसल पीएम मोदी के दौरे से कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने उन्हें एक पत्र लिखकर मांग की थी कि राज्य के कावेरी डेल्टा क्षेत्र में चिन्हित किए गए 3 कोयला खंडों को राष्ट्रीय नीलामी सूची से हटा दिया जाए। केंद्र ने तुरंत कदम उठाते हुए सूची से तीनों क्षेत्रों को हटा दिया। प्रदेश भाजपा नेता के अन्नामलाई ने भी एक बयान जारी करके त्वरित कदम उठाने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के लिए 5,000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। वहीं एमके स्टालिन का कहना था कि एक राष्ट्र के रूप में भारत तभी समृद्ध होगा जब राज्यों के विकास के लिए केंद्र से पैसा मिलेगा। राजनीति में कौन किस पाले में कब खड़ा हो जाए ये कोई नहीं कह सकता। राजनीति में कुछ भी संभव है, ये निर्भर करता है उस समय पार्टी विशेष की जरूरत और परिस्थितियां कैसी हैं। वहीं डीएमके के लिए एनडीए कोई अछूत नहीं है। साल 1999 में डीएमके एनडीए का हिस्सा रह चुका है। उस समय प्रमोद महाजन ने डीएमके से गठबंधन में अहम भूमिका भी निभाई थी। ये गठबंधन साल 2004 तक चला। केंद्र में डीएमके की तरफ से मुरासोली मारन इस गठबंधन की अहम कड़ी थे। प्रमोद महाजन और मुरासोली मारन ने ही इस गठबंधन की जमीन तैयार की थी। मारन तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत करीब थे और इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 2002 में मारन बीमार पड़ गए थे। कोमा के रहने के बाद भी वो मंत्री पद पर बने रहे थे। 2002 में गुजरात दंगों के बाद से इस गठबंधन में दरार पड़ गई थी। करुणानिधि ने साल 2003 में केंद्र से अपने 2 मंत्रियों को इस्तीफा दिलवा दिया था। वहीं पीएम मोदी के तमिलनाडु दौरे के दौरान आई ये तस्वीरें जिनमें स्टालिन और पीएम मोदी दोनों दिखाई पड़ रहे हैं, इससे कई तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।